हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्रम व्लॉग में। और आज वीडियो का टाइटल है कि जब आपको कोरोना की पहली डोज दी जाती है आपको कैसा महसूस होगा। दोस्तों, ये मेरा अनुभव है। आज दोपहर 12 बजे मुझे सिविल हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। मैं पहले बहुत चिंतित था, मैं ये सोच रहा था कि इससे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करके जैसे ही मैं सिविल हॉस्पिटल में पहुँचा, मैंने अपना आधार कार्ड उनको दिखाया, उन्होंने मेरा आधार कार्ड नंबर नोट किया, मोबाइल नंबर लिखा और उसके बाद मुझे वहाँ बैठा करके कंधे के इस पार्ट पर मुझे इंजेक्शन लगाया गया। मुझे थोड़ा बहुत भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं 5 या 10 मिनट के बाद घर पर पहुँचा तो मुझे और मेरा सर बहुत भारी हो गया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है तो उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद सिर ठीक हो जाए, लेकिन सिर में आपके चक्कर बना ही रहेगा। और एक ख़ास बात यह भी है कि शुरुआत में आपके इंजेक्शन पे ये जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ दर्द नहीं होता, लेकिन थोड़े आधा एक घंटे के बाद यहाँ भी आपके दर्द होना महसूस हो जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे ही आप ऐसे हाथ को मिलाए डुलाएँगे तो आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सभी आराम से जा कर के अपना आधार कार्ड लेकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि तो वैक्सीन खतरनाक नहीं है। आप सभी के सेफ्टी के लिए सरकार ये सब कर रही है, तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाएं और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।